तो स्वागत है आपका टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड 2018 जो 6 मई को परीक्षा होने वाली है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं यहाँ जनरल स्टडीज़ की। इससे पहले 3 लेसन मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे थे संविधान की। उसमें हमने बहुत ही बेसिक संविधान का स्ट्रक्चर देखा था अभी, और उनसे जो यूनियन पार्ट 5 है आपका, भाग 5, उसमें जो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, जुडिशरी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लोकसभा राज्यसभा से, अभी लेटेस्ट की जो राज्यसभा लोकसभा है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। करंट के भी उसी में इंक्लूड करते हुए पॉलिटिकल आगे बढ़ाया। तो नेक्स्ट क्लास हमारी है ये चौथी। तो इससे पहले बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं एलटी ग्रेड की। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जो कि नीचे लाल बटन है उसको प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटी सी घंटी भी आएगी, उस घंटी को प्रेस करना है आपको, जिससे नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे, ताकि आपकी तैयारी चलती रहे कंटिन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन अपना। देखिए, आज हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट, जितने भी अभी प्रेसिडेंट हुए हैं इंडिया में, राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक, इनके बीच में जितने प्रेसिडेंट आए उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन फैक्ट आए हैं या आने के कुछ चांसेस बनते हैं, वो सारे के सारे इंक्लूड करने वाले हैं। तो चलिए, पहला है फर्स्ट राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1962 तक। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, कि ये कॉमन क्वेश्चन हो गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इससे ही जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले भारत के इकलौते व्यक्ति कौन है? तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये दो टर्म्स के लिए इन्होंने कंप्लीट किया था अपना, ये 12 साल तक रहे थे वैसे तो। और ये जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने दो कार्यकाल कंप्लीट किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिए। सेकंड राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम द साउथ इंडिया। अगर पूछता है कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत से भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, तो वो होंगे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे अभी, देखिए इनको। तो एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो डेथ हुई थी, तो ये जो है अपने कार्यकाल के दौरान ही हुई थी, इनके अपने पद पर रहते हुए इनकी, जब ये राष्ट्रपति थे उसी वक्त हुई थी। तो भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई है। ही वॉज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे लंबी समय अवधि तक रहने वाले, और सबसे कम अवधि तक रहने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे कम समय तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पहले बता रहा हूँ डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, जितने आप फैक्ट जुटा सकते हैं याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। ये पूछा जाता है इनके बारे में, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में जो है वहारगिरी वेंकटागिरी जो है, इनको जो है 3 मई 1969 को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। इन्होंने कुछ महीने बाद जो है इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए, नेक्स्ट चुनाव के लिए, तो उसके ये ईयर्स दिए हैं, इनको ईयर को याद कर लीजिए। तब हिदायतुल्ला जो है राष्ट्रपति बनाया गया था, हिदायतुल्ला को, ठीक है, जब तक वीवी गिरी को जो है नहीं चुन लिया गया था। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे वीवी गिरी, और वीवी गिरी भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे हिदायतुल्ला, ठीक है। तो हिदायतुल्ला को राष्ट्रपति बनाया गया था। देखिए, भारत का जो संविधान है ना, वो इजाजत देता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भारत के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कब? जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद पर, जो दोनों की वैकेंसी अगर खाली हो जाती हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति की भी और उपराष्ट्रपति दोनों की वैकेंसी अगर है, खाली है पद, तो मुख्य न्यायाधीश उस स्थिति में, उस कंडीशन में जो मुख्य न्यायाधीश होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है। तो हिदायतुल्ला जो थे उस वक्त जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद में, जो वीवी गिरी बनाए थे, वीवी गिरी दोनों सीटें वैकेंट होने के बाद में जो मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्ला हैं उनको बनाया गया था राष्ट्रपति, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, तो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति उस समय तक थे वीवी गिरी, तो वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया। बाद में वीवी गिरी ने जो है रिजाइन दे दिया था, तो उपराष्ट्रपति से तब तक चीफ जस्टिस जो थे हिदायतुल्ला, उनको बनाया गया था प्रेसिडेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब तक जो है, मतलब हिदायतुल्ला के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ऐसे पहले कौन से चीफ जस्टिस हैं जो राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, तो वो हैं हिदायतुल्ला, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड
और प्रेसिडेंट दोनों ही थे, एक्टिंग भी थे और प्रेसिडेंट। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तो तब उन्हें बना दिया गया था, ठीक है, वो पद भरने के लिए। फिर बाद में इलेक्शन हुआ तो इनको ये जीत गए थे, तो एक्टिंग भी थे और फिक्स भी थे। तो पांचवें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, भारत के दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुई आपातकाल के दौरान, ठीक है, राष्ट्रपति थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनका, जो फखरुद्दीन अली अहमद जी हैं इनका, जो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुई हुई। तो भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु दूसरे नंबर के, कौन से राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु जो है राष्ट्रपति पद पर रहते हुई, फखरुद्दीन। और ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु आपातकाल के दौरान हुई, वो भी फखरुद्दीन। दो तरह से बन सकता है क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, छठे राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, इनसे जुड़ा ये क्वेश्चन है। सातवां है, सातवें थे ज्ञानी जेल सिंह। तो ये जो बाकी अभी 10 तक दिख रहे हैं तो इनसे कोई क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, जो मैं आने थे वो बता दिया, लेकिन जो नाम थे 7, 8, 9, 10 तो इनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है, कि सीरियल नंबर आपको याद रखने होंगे, कौन से नंबर नंबर भी पूछता है ना कभी कभी, किस नंबर के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट चलते हैं, 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोन एज द पीपल्स प्रेसिडेंट, लोगों के राष्ट्रपति किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि लोगों का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है या जनता का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, अब्दुल कलाम को कहा जाता है। फर्स्ट बैचलर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हु कंप्लीट हिज टर्म, ठीक है, तो भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो, इससे पहले दो थे, दोनों के दोनों अपने कार्यकाल के दौरान में मृत्यु हो गई थी। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जिन्होंने जो है अपना कार्यकाल पूरा किया हो, डाइड फॉलोइंग ए हार्ट अटैक, इनकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई जब ये एक अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे थे शिलोंग में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, शिलोंग में। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, पाटिल वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा की प्रथम महिला गवर्नर भी थी, शी वाज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ राजस्थान। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं 2012 से 2017 तक के लिए, और उसके बाद में 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो मैं पिछले लेसन में कनेक्ट कर चुका हूँ इस लेसन को, ये लेसन यहीं कंप्लीट होता है। अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, थैंक यू।